के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। मेघनाथ ने छुपकर लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाई, जिसके कारण लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। विभीषण ने सुसेर वैद्य का पता बताया तो हनुमान जी सुसेर वैद्य को लेकर आए तो सुसेर वैद्य ने कहा कि यदि सूर्यास्त होने से पहले संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए निकल पड़े। जब ये समाचार रावण को मिला कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं, तो उनके कार्य में बाधा डालने के लिए रावण ने कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने हनुमान जी के कार्यों में बाधा डालने की अनेक योजनाएं बनाई, परंतु हनुमान जी ने जब जान लिया कि कालनेमी उनके कार्य में बाधा डाल रहा है, तो हनुमान जी ने कालनेमी का अंत कर दिया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आगे बढ़े तो भरत जी ने उन्हें आकाश मार्ग में देखा तो राक्षस होने के शंका में भरत जी ने उन पर बाण चलाया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब भरत जी को सारी सच्चाई का ज्ञात हुआ तो उन्होंने तुरंत ही हनुमान जी को अपने बाण पर बिठाया और लंका की तरफ छोड़ दिया। इधर औषधि आने के विलम्ब के कारण भगवान श्री राम विलाप करने लगे, परंतु कुछ ही पल में सूचना मिली कि संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी आ पहुंचे हैं। तो सुसैर वैद्य ने संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी को पिलाया, जिसके कारण कुछ ही दिनों में लक्ष्मण जी स्वस्थ हो गए। रावण युद्ध करने के लिए अब कुंभकर्ण को भी जगाने लगा। उसने अपने अनेक सैनिकों को कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजा। जब कुंभकर्ण जगा तो उसे सभी समाचार की सूचना मिली। उसे ज्ञात हुआ कि भगवान श्री राम से युद्ध रावण कर रहा है, तो उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि आप भगवान श्री राम से युद्ध ना करें, क्योंकि वो भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। परंतु रावण ने एक भी बात नहीं मानी। उसने कुंभकर्ण को कहा कि क्या तुम भी विभीषण की तरह राम की शरण में चले जाओगे। इससे लज्जित होकर कुंभकर्ण अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री राम के हाथों कुंभकर्ण परम गति को प्राप्त हुए। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का अंत कर दिया। अंत में भगवान श्री राम और रावण के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध बहुत ही भीषण था, परंतु रावण भगवान श्री राम के हाथों मारा गया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंपा और माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ पुष्प विमान पर बैठकर अयोध्या के तरफ निकल पड़े। अयोध्या वासी पुष्प विमान को दूर से ही देखने लगे और जब थोड़ा पास आए तो उन्होंने भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी को देखा और वो काफी खुश हुए। खुशी से उन्होंने पूरे नगर में दीप जलाए, मंगल गान गाए, चारों तरफ खुशी का लहर दौड़ पड़ा। भगवान श्री राम अपने महल में पहुंचे तो सभी माताएं उनका विशेष स्वागत करने लगी। सभी खुश थे। भगवान श्री राम ने भगवान शिव की स्तुति की और कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। तो भगवान श्री विष्णु के आठवें अवतार भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन मैं अगले दिन करूंगी। तब तक के लिए चेंज योर लक जीरो से जीरो में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री।